तो हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट फोटोज इनटू वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आते हैं स्क्रीन पर। आई नो कि कुछ लोगों को ये फोटोज वीडियो में कन्वर्ट करने का तरीका पता होगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए है कि जिनको पता नहीं है। तो वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है फोटोज़ को वीडियो में कन्वर्ट कराने के लिए, जैसे कि प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स जो है वो एडोब का प्रीमियर यूज़ करते हैं, और बहुत लोग वंडरशेयर फिल्मोरा यूज़ करते हैं, कुछ लोग ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है जिसमें करते हैं। तो मैं जिस सॉफ्टवेयर में करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कैपकट, और बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें वीडियो एडिटिंग होता है। तो चलिए मैं आपको एक ट्रायल बेस पर सिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने अपना स्क्रीन ऑन किया है और फोटोज़ को किस तरीके से वीडियो में ट्रांसफॉर्म करते हैं ये प्रोसेस हम शुरू कर देते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं कैपकट सॉफ्टवेयर जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। और इसको यूज़ करने के लिए हमें कोई भी एक VPN ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है, ताकि क्योंकि ये इंडिया में अलाउ नहीं है। तो हमें जैसे कि मैं यहाँ पर प्रोटॉन का VPN यूज़ कर रहा हूँ, VPN यूज़ करके हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले टेस्टिंग इन्वायरमेंट लेता है कि जिसमें समझ में आता है कि आपका मशीन उस सॉफ्टवेयर को स्मूथली रन कर सकता है या नहीं। तो देखो यहाँ पर मैसेज आया है कि योर कंप्यूटर कैन रन कैपकट स्मूथली। ओके, ये अब तक का मेरा सबसे फेवरेट सॉफ्टवेयर है। और अभी देखो यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी एक स्टोरी टेलिंग का वीडियो में बना रहा था। तो यहाँ पर देखो आपको कुछ इमेजेस नज़र आएंगे, एक छोटी स्टोरी का, एक एनिमेटेड इमेजेस का जो है ऐसे बने हुए, उसका फोटोज से मैं वीडियो ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पर एक स्टोरी टेलिंग के साथ। तो मैंने यहाँ पर उसका ऑडियो भी जनरेट कर लिया है और एक छोटा सा स्टोरी है एक दो ढाई मिनट का, और मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पर निकाले जैसा कि आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर एक छोटी सी दो मॉन्क्स की स्टोरी है। तो सिंपली ये सॉफ्टवेयर का देखो इंटरफेस ऐसा है, ये सबसे आसान सॉफ्टवेयर है कैपकट। यहाँ पर जैसा आपने डेटा ले लिया, ये टाइमलाइन है यहाँ पर या ऑडियो के आइकॉन से, और आपके स्टोरी के अकॉर्डिंग आप उसका वॉइस ओवर रिकॉर्ड करके और म्यूजिक यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो टाइटल्स वगैरह है, बहुत सारे टाइटल्स है यहाँ पर जो ट्रेंडिंग में आते हैं, जस्ट डाउनलोड करके आपको यूज़ करना है। और डिफ़ॉल्ट टाइटल भी ले सकते हो आप जो नेचुरल रखना चाहते हैं। यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर, सोशल मीडिया के लिए, फेस्टिवल अकॉर्डिंग, ट्रैवल अकॉर्डिंग, ब्लॉग अकॉर्डिंग, चैप्टर, मेकअप, 3D, फैशन, फूड, स्पार्क, एवरीथिंग, आपको सब तरीके के टाइटल्स यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। कुछ कुछ जो नए रहते हो यहाँ पर हमें प्रो का ऑप्शन मिलता है। तो बेसिकली ये बाकी सॉफ्टवेयर से बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप आपके फोटोज का वीडियो में ट्रांसफॉर्म बहुत इजीली कर सकते हो। और इसका मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, और उसको भी VPN लगा के यूज़ करना पड़ता है। VN के बाद अगर देखा जाए तो ये VN से भी क्रिएटिव सॉफ्टवेयर मुझे लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट्स है, विजुअल इफेक्ट्स है और स्टिकर्स है। इफेक्ट्स में देखो आप बॉडी इफेक्ट्स है जिसमें बॉडी कट का ट्रांजिशन मिलता है, और ओपनिंग्स मिलते हैं वीडियो के स्टार्टिंग बिगिनिंग के लिए, जैसा कि सब अभी ये है। यहाँ पर मैं कुछ ओपनिंग देना चाहता हूँ, चाहे ब्लर टू फोकस हो, या लो एक्सपोजर टू हाई एक्सपोजर हो, या कैमरा फोकस हो, या कोई डिफरेंट टाइप का ओपनिंग, हॉरिजॉन्टल ओपनिंग। अब सपोज मैं अभी देखो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल ओपनिंग इसको देखता हूँ, तो देखो इसके बिगिनिंग कैसा होता है। ओके, तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर हमें ओपनिंग का जो है हॉरिजॉन्टल ओपनिंग उसने कितना ब्यूटीफुल तरीके से दिया। तो इसी तरीके से इसमें
जितने भी इमेजेस हम लगा सकते हैं। उसके बाद हम इन्हें की फ्रेम भी दे सकते हैं, जैसा कि कोई फोटो है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर में देखो आपको ट्रांजिशंस मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे ट्रांजिशंस मिल जाएंगे इसमें भी, मिक्स वाले या लाइटिंग इफेक्ट्स वाले, कैमरा शेकिंग वाले, ओवरले वाले, ग्लिच, ब्लर, डिस्टॉर्शन, स्लाइड, मास्क, स्प्लिट, तो ऐसे बहुत सारे ये मिल जाएंगे। लेकिन जब आप कोई स्टोरी टेलिंग या मेमोरीज, फैमिली फ़ोटोज़ हो, वेडिंग फ़ोटोज़ हो, या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन अगर बना रहे हो, तो उसमें की फ्रेम का जो यूज़ है, देखो अभी सपोज ये यहाँ पर एक फ़ोटो है और यहाँ पर इसका स्केल कितना दिखा रहा है कि 100%, तो हमें इसे यहाँ पर ऐड की फ्रेम करना है और स्लाइटली उसको जूम देने का है, मतलब और जब स्टोरी के बारे में नैरेट करेंगे तो स्लाइटली स्टोरी के ऊपर वो फोकस करेंगे और उसे क्लोज कर देगा, तो हमें हमारा एंडिंग पॉइंट यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते और इसका जो स्केल है वो थोड़ा इतना कर देते हैं, ठीक है, कितना हो गया 183, उसको हम 180 कर देते हैं, 180, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें एक डॉट दिखाई दे रहा है, तो उसको हमने यहाँ पर एंडिंग में सिलेक्ट कर दिया। अब जैसे आप टाइमलाइन का ये मूव करेंगे, देखो स्लाइटली मूव होता हुआ हमें दिखेगा फिर से, ठीक है। They were traveling to share the teachings of Gautama Buddha. As they approached the... तो इस तरीके से आप की फ्रेम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें काफ़ी अच्छे फिल्टर है, स्टोरी अकॉर्डिंग आपको अगर फिल्टर चाहिए, जैसा कि अभी मैंने फेड दिया है आप, तो फेड स्टाइल में मिल जाएंगे आप, क्लियर में मिल जाएंगे आप, जैसे कई सारे इसमें फिल्टर भी है और स्टिकर्स है, बाकी ऑडियो, फोटो, वीडियो, बाकी जो भी फोटोज़ है आप उसको अच्छे से एनिमेट करके एक स्टोरी अकॉर्ड स्टोरी स्टाइल देके की फ्रेम एड ऑन करके ट्रांजिशंस देके टाइटल देके तो स्टोरी को 1 या 2 मिनट का 3 मिनट डिपेंड अपॉन आपका स्टोरी, आपका फुटेज कितने, आपके इमेजेस कितने हैं, इसके अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो देखिए जैसा अभी ये हो गया, सपोज आपका जैसा पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाता है तो एंडिंग में भी अगर आपको कुछ देना है, सपोज ये एंडिंग वाला मेरा लास्ट वाला पिक्चर है, तो इसमें देखो यहाँ पर एनिमेशन का एक ऑप्शन है और इसमें आउट का एक ऑप्शन है और इधर फेड आउट, और यहाँ से मैंने थोड़ा उसका ड्यूरेशन चेक किया, स्लाइटली स्टोरी एंड हो जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो, और यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपके स्टोरी का नाम डाल सकते हैं, आपको किस रेजोल्यूशन में चाहिए ये भी यहाँ पर है, 4K तक आप कर सकते हैं, 480 से लेके तो आप 4K तक इसका बहुत अच्छी तरीके से अच्छे क्वालिटी में 60 FPS में आप ये वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें आप कोई भी फोटोज़ आपके फोटोज़ वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो बहुत इजीली इस सॉफ्टवेयर के जरिए। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, डिपेंड अपॉन आपको किस तरीके का सॉफ्टवेयर पसंद आता है, आप मोबाइल में भी कर सकते हो, पीसी में भी कर सकते हो, और आजकल तो AI आ चुका है, तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल सकता है इसके बारे में। तो ये एक छोटा सा मेरा वीडियो था जिसमें आप फोटोज़ वीडियो में कैसा कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, और आपका फैमिली का कोई भी स्टोरी टेलिंग बहुत ही इजीली बना सकते हो। चलिए आज का एक टॉपिक अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जल्दी ही मिलते हैं कुछ न्यू टॉपिक में जिसमें हम कुछ सीख सकते हैं। चलिए टेक केयर, बाय बाय।